हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी बाय डॉक्टर राकेश जोशी। इस बार हम जाने वाले हैं यूएसए। जी हाँ, ये हमारा फैमिली ट्रिप है 2018 में यूएसए का, जिसमें हम न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो गए थे। अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, और दिल्ली एयरपोर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट नॉमिनेट हो चुका है, वहाँ से हमने बोर्ड की एयर इंडिया की फ़्लाइट डायरेक्ट टू न्यूयॉर्क। ये फ़्लाइट करीब 13 घंटे 40 मिनट तक नॉनस्टॉप फ्लाइट है, और इससे हम पहुँचे न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में हम बहुत जल्दी सुबह पहुँच गए, और फिर हमने सबसे पहले वहाँ लिया ब्रेकफास्ट। इस समय आप देख रहे हैं सुबह 5 बजे के करीब हम अपने होटल में चेक इन करने से पहले एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद करीब 5:30 बजे सुबह जब हम बाहर निकले तो हम थे टाइम स्क्वायर पे। सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में टाइम स्क्वायर कैसे दिखता है ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सुबह का वक्त था, लेकिन नियॉन साइंस सभी वर्क कर रहे थे। सो ये है टाइम स्क्वायर इन द मॉर्निंग टाइम। और फिर जब हम शाम को अपना ट्रिप करके लौटे तो हम दोबारा टाइम स्क्वायर पे आए थे, तो आपको फिर दिखाएंगे टाइम स्क्वायर शाम को कैसा भीड़ भाड़ वाला और फुल ऑफ एक्टिविटी रहता है। ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपने होटल में चेक किया, जो कि टाइम स्क्वायर पर ही था। तो ये बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है न्यूयॉर्क की। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, उसी तरह समझिए न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है। तो यहाँ स्टे करने का एडवांटेज ये है कि जब आप होटल से नीचे उतरते हैं तो आपको अच्छी चहल पहल दिखती है। इसके बाद हमने प्लान किया अपना डे ट्रिप। न्यूयॉर्क को देखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है वहाँ की टूरिस्ट बसेस। हमने लिया रेड बस का टूरिस्ट पास। एक दिन का पास कॉस्ट करता है $60, यदि आप 2 दिन का लेते हैं तो $110, और 3 दिन के पास का $150 पर पर्सन होता है। ये आपको सारा दिन घुमाते हैं, और इसमें भी इनके 4 ट्रिप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि न्यूयॉर्क के अलग अलग हिस्सों में आपको लेके जाते हैं। ये टूरिस्ट बसेस हॉप ऑन हॉप ऑफ टाइप ऑफ ट्रिप करती हैं, जिसमें इनके स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर्स हैं जहां आप उतर सकते हैं, फिर उस जगह को अच्छे से देख के अगली बस या उसके बाद वाली बस को फिर से हॉप ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रिप में उतरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए आपको पहले लैंड पे अपनी बस से उतरना होता है, और फिर वहाँ से बोट लेके आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जाते हैं, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है समुद्र के बीच में एक छोटे से आइलैंड पे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट की गई थी एज ए गिफ्ट फ्रांस के द्वारा अमेरिका को 1886 में। ये ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई मूर्ति है जो बनी थी फ्रांस में, और फिर ये ट्रांसपोर्ट की गई थी शिप के द्वारा यूएसए में। ये दी गई थी अमेरिका की सिविल वॉर ख़त्म होने के उपलक्ष में फ्रांस द्वारा। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फेस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फेस वैसे तो रिप्रेजेंट करता है लिबर्टास, जो रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम है, लेकिन एक्चुअल में आर्टिस्ट ने इसे फेस दिया था अपनी मदर का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में करीब 1 घंटा बिताने के बाद, और फिर इसमें लिफ्ट द्वारा ऊपर तक जाने के बाद हम वापस अपनी टूरिस्ट बस में आ गए, और यहाँ से फिर हमने अगला स्टॉप जहाँ हम उतरे वो था 9/11 मेमोरियल। 9/11 मेमोरियल बनाया गया है 2011 में, जो ट्विन टावर्स पे टेररिस्ट अटैक हुआ था सितंबर 11 को, जिसमें कि दोनों ट्विन टावर्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। तो उसकी जगह एक पीस मेमोरियल बनाया गया है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना है। यहाँ इतना अच्छा ओपन स्पेस फील होता है
और यहाँ आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं उन लोगों को, करीब 3,000 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उस टेररिस्ट अटैक में। इसे पूरे वाइट सिरेटेड मेटल पाइलॉन से बनाया गया है और इसका स्ट्रक्चर करीब करीब पिरामिड जैसा है, जो नीचे से बहुत ब्रॉड है और ऊपर जाते जाते ये टेपर होके पॉइंटेड हो जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना है। इसके बाद हमने फिर से अपनी टूरिस्ट बस बोर्ड की और फिर हम पास हुए एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग न्यूयॉर्क की, जिसे कहते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जब मैं छोटा था और स्कूल में था तो हमारी बुक में लिखा जाता था कि न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। अब इससे भी ऊंची बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का स्टेटस और चार्म अलग है। ये बिल्डिंग 1930s में वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग्स थी, हाई राइज बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क में बनाई गई, और इसकी शेप इतनी अच्छी है, इसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है कि ये 1930 से अब तक आर्किटेक्चर का एक मार्वल मानी जाती है और बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है न्यूयॉर्क का। दिन भर का ट्रिप पूरा करके हम वापस टाइम्स स्क्वायर पहुँचे। शाम को टाइम्स स्क्वायर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आज ही सुबह हमने 5 से 6 के बीच में टाइम्स स्क्वायर देखा था, जब ये सुनसान था, सिर्फ नियॉन साइंस चल रहे थे, और जब शाम को हम वापस अपने होटल पहुँचे तो टाइम्स स्क्वायर वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी। टाइम्स स्क्वायर की खासियत ये है कि यहाँ आपको हर समय जगमगाहट दिखती है। इतने नियॉन साइंस हैं यहाँ कि आंखें चुंधिया जाती हैं, और हाई एंड शॉपिंग के लिए भी टाइम्स स्क्वायर बहुत ही मशहूर है। सभी इंपॉर्टेंट ब्रांड्स की चीज़ें आप चाहें तो टाइम्स स्क्वायर में खरीद सकते हैं, और अगर आपने शॉपिंग नहीं भी करनी तो सिर्फ टाइम्स स्क्वायर पे एक वॉक कर लेने से ही आपका मन खुश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यूयॉर्क का फर्स्ट डे। इसके बाद हम यूएसए के और शहरों में, जैसे कि अटलांटा और शिकागो का भी आपको टूर कराएंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।